डियर फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में हम सिर पर मुकुट, ये वाला लेसन आज हम पढ़ेंगे। सिर पर मुकुट मतलब जिसके सिर पर ताज होता है, जैसे कि राजा के सिर पर। इस कहानी में बादशाह अकबर खान और बीरबल के बीच में हुई वार्तालाप को बताया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर खान खाना खा रहे थे उनके प्रिय मित्र बीरबल भी पास ही खड़े थे। जो बादशाह थे अकबर, वो खाना खा रहे थे और बीरबल उनका बहुत अच्छा दोस्त भी था, मित्र भी था और उनका मंत्री भी था। मेज पर बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। स्वादिष्ट मतलब मज़ेदार, टेस्टी। व्यंजन मतलब तरह तरह के पकवान। उनमें से एक बैंगन की सब्जी थी। बैंगन मतलब ब्रिंजल, आपने सुना होगा ब्रिंजल। उनमें से एक बैंगन की सब्जी थी। अकबर को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। अकबर जो थे राजा, उनको बैंगन की सब्जी पसंद नहीं थी। उन्होंने बीरबल से एक पूछा, क्या तुम बैंगन की सब्जी पसंद करते हो? उनको बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से पूछा कि क्या तुमको बैंगन की सब्जी पसंद है? बीरबल बहुत चतुर था। चतुर मतलब चालाक, सियाना। वे जान गए कि राजा को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती। वह समझ गया था कि राजा को बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको बैंगन की सब्जी पसंद है। बीरबल ने कहा, जहाँ पना, यह सब्जी अच्छी नहीं है, इसका स्वाद बेकार है। बीरबल ने चतुराई से आंसर कह दिया कि ये सब्जी अच्छी नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, बेकार है। तब अकबर ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, इसका स्वाद बेकार है। उसकी हाँ में हाँ मिलाकर अकबर राजा ने कहा कि हाँ, सही में ये सब्जी अच्छी नहीं है, इसका टेस्ट बेकार है, यह देखने में भी बेकार है। बेकार मतलब अच्छी नहीं है। फिर बीरबल ने कहा, इसे तो गधे ही पसंद कर सकते हैं। बीरबल ने उसको कहा कि यह सब्जी को सिर्फ गधे लोग, जो मूर्ख रहते हैं, वो लोग पसंद कर सकते हैं। कुछ दिन बाद जब अकबर रात्रि का भोजन कर रहे थे, कुछ दिन निकल गए, एक दिन राजा अकबर रात का भोजन कर रहे थे, रात्रि मतलब रात, तो मेज पर कई प्रकार के व्यंजन रखे थे। व्यंजन मतलब अलग अलग प्रकार की डिशेस, बहुत सारी चीज़ें रखी थी खाने की। उसमें एक बैंगन की सब्जी भी थी। उसमें फिर से बैंगन की सब्जी रखी थी, जो बहुत स्वादिष्ट व जायकेदार थी, जायकेदार बनी थी। इस बार टेस्टी बनी थी सब्जी। स्वादिष्ट मतलब टेस्टी, जायकेदार। राजा ने उसे चखा, अकबर ने उसे टेस्ट किया और पसंद किया, फिर उसको अच्छी लगी। उसने कहा, बैंगन एक बढ़िया सब्जी है। पहले उसने क्या कहा था कि बैंगन एक अच्छी सब्जी नहीं है, उसका स्वाद बेकार होता है। अब राजा को पसंद आई, खाने में टेस्टी लगी, तो उसने कहा कि बैंगन एक बढ़िया सब्जी है, मतलब अच्छी सब्जी है। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बैंगन की सब्जी पसंद करते हो? राजा ने फिर से बीरबल से पूछा, क्या तुम बैंगन की सब्जी पसंद करते हो? कभी खाई है बैंगन की सब्जी? बीरबल राजा का मिजाज जानने में बहुत तेज थे। मिजाज मतलब स्वभाव। जो बीरबल था मंत्री, वो बहुत चालाक था, चतुर था, तो वो राजा का स्वभाव अच्छे से जानता था। उसने उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ पना, यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सब्जी है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छी। उसने कहा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी है, बैंगन सब्जियों का राजा है। बैंगन जो है वो सब्जियों का राजा है, इसलिए तो उसके सिर पर मुकुट है। आपने बैंगन देखा होगा, बैंगन के सिर पे ताज के जैसा बना रहता है, तो इसलिए उसने कहा कि ये उसके सिर पर मुकुट है। तब बादशाह ने कहा, मैं तो सोचता था कि यह सब्जी तो सिर्फ गधों के लिए है। पहले उसने बोला था ना कि ये सब्जी बेकार है, इसे सिर्फ गधे ही पसंद कर सकते हैं। तो अब राजा ने कहा कि मैं तो सोचता हूँ कि सब्जी तो सिर्फ गधों के लिए है। बीरबल झुका, मतलब उसने नीचे उसका सिर किया और कहा, मैं मानता हूँ, तभी तो एक गधे ने उसे पसंद किया है। उसने राजा से कहा कि मैं मानता हूँ कि तभी तो उसने एक गधे ने पसंद किया है। यह सुनकर बादशाह लज्जित हुआ होकर हंसने लगे। लज्जित मतलब उन्हें शर्म आई थी, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि सब्जी खराब है और अब कहा कि सब्जी टेस्टी है। और फिर बीरबल ने बड़ी चतुराई से उनके क्वेश्चन का आंसर दिया कि वो गधे ही सिर्फ उसे पसंद कर सकते हैं। ये सुनकर बादशाह लज्जित यानी शर्मिंदा हुआ और हंसने लगा। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, स्वादिष्ट मतलब जायकेदार, टेस्टी, चतुर मतलब चालाक, रात्रि मतलब रात, सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी, व्यंजन खाने की चीज़ें, स्वाद मतलब जायका, टेस्ट, मिजाज, स्वभाव, लज्जित, शर्मिंदा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।